Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मीशो बैग हॉल। सो इस वीडियो में क्या होने वाला है ना, मैं आपके साथ बैग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है। और ये सारे के सारे बैग अंडर ₹300 है और बहुत ही अच्छे बैग्स है। आई थिंक सिर्फ एक ऐसा बैग है जो 300 से थोड़ा सा ज़्यादा है, आई थिंक वो ₹320 का है, बट हम लोग उसको भी इस वीडियो में कंसिडर कर सकते हैं, राइट? सो इस वीडियो में मैंने हैंड बैग लाया है, स्लिंग बैग लाया है और बहुत ही अच्छे अच्छे बैग हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैंने इस टाइप का एक मीशो बैग हॉल एक आई थिंक 6 मंथ्स पहले भी किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ईयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे बैग ऑर्डर किए हैं, इनमें से मैंने किसी को भी प्रॉपरली ओपन करके चेक नहीं किया। मैं सब कुछ आपके सामने करने वाली हूँ, बस मैंने क्या किया ना, कूरियर को ऐसे ओपन करके देख लिया कि जो मैंने ऑर्डर किया था वही आए या नहीं। बिकॉज अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे ना मीशो बैग वाली, तो आपको पता चलेगा जो मैंने बैग ऑर्डर किया था एकदम ही डिफरेंट आया था, उसके बाद वो रिटर्न भी नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने इसको सबको चेक कर लिया है कि सेम आए या नहीं, और सारे सेम बैग आए हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, कि करके मैं आपको फिर सारे बैग दिखाऊंगी, उनके सबके बारे में बताऊंगी। ओके, सो सबसे पहला बैग जो मेरे हाथ में आया है वो है ये बैग। सो इस हॉल का ये सबसे महंगा बैग है, जो मैं आपसे स्टार्टिंग बोल रही थी ना कि एक बैग है जो 300 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है ये। आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। मुझे ये रिसीव हुआ है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ₹325 का था। वाओ, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट? इसको भी मैंने ओपन करके नहीं देखा है, मैंने सिर्फ ऐसे कट करके देखा था कि सेम बैग है या नहीं है, साथ में देखने वाले हम लोग। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट? इस ये जो टेक्सचर होता है ना, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल स्किन बैग, क्योंकि इस जो ऐसे टेक्सचर्ड होता है ना, इसको क्रोकोडाइल स्किन बोला जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल की भी ऐसी स्किन होती है। आप इसको ऐसे ओपन करोगे, ये स्लिंग बैग है। अगर आप चाहो तो एज अ हैंड बैग भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो और ऐसे स्लिंग बैग बना सकते हो। यहाँ पे ये स्ट्रैप दिया हुआ है, ऐसे पूरा पन्नी भरी हुई है। देख सकते हो इसकी मैंने सारी पॉलिथीन निकाल दी है, हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा कितना स्पेशियस है ये बैग। सो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें ना एक अंदर जिप है और ये ऐसे स्पेस है, ये बीच में डिवाइडर नहीं है, ये ऐसे आपका ये अलग पाउच है और ये ऐसे अंदर है। ओके, इसमें जैसे अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत कॉइन्स रख सकते हो, लिप बाम रख सकते हो। काफ़ी स्पेशियस बैग है, बट मुझे ना इसका एक चीज़ पसंद नहीं आया है, एक्चुअली काफ़ी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है इसका। लुक वाइज तो ये बैग बहुत सुंदर है, बट आप देख सकते हो उसका कितना थ्रेड निकल रहा है, विच लुक्स रियली चीप। मतलब आप ऐसे देखो तो जो है ठीक लग रहा है, बट ये सब चीज़ें जो निकल रही है इसका थ्रेडेड, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहो, अगर आपको ये बैग बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको कट करके यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ठीक लग रहा है इसलिए मैं कट करके यूज़ कर लूँगी, एंड ऑनेस्टली स्पेस भी इसकी काफ़ी ठीक है। आप देखो इसमें और कहीं पे कुछ भी स्पेस नहीं है, यही हमारा एक छोटा सा स्पेस होगा। तो आई फील ये थोड़ी बहुत देर के लिए तो ठीक है, बट अगर आप इसको डेली यूज़ में यूज़ करोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। देख सकते हो इसमें स्ट्रैप भी दी हुई है, तो अगर आप चाहो तो इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो, एज अ हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो। मुझे एज अ हैंड बैग ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप इसे सेक्सी से ड्रेस पहने हो और ऐसा हैंड बैग की तरह आप कैरी करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ पर माई व्यूज़। बट अगर आप चाहो तो इसको एज अ स्लिंग भी बना सकते हो, यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ है, ये बकल में आप इसको अटैच कर दो, या इसको आप ऐसे अटैच कर सकते हो, इधर से भी आप ऐसे अटैच कर देना तो ये प्रॉपर एक स्लिंग बन जाएगा, तो आप इसको एज ए स्लिंग बैग की तरह भी कैरी कर सकते हो। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि एज ए हैंड बैग ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैं तो हैंड बैग की तरह यूज़ करूँगी। हाँ, अगर आपको ये थ्रेड से प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये सब बिल्कुल भी चीप नहीं है। बस मुझे ये चीज़ ना थ्रेड जो वर्क ऐसे निकला रहता है, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप किसी को गिफ्ट करोगे तो ऐसा थ्रेड थ्रेड निकला रहेगा तो वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती है। बट अगर आप खुद के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ऐसा थ्रेड साइज को कट कर दो। बाकी इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है, इसका जिप भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, अंदर का जिप भी परफेक्टली फाइन है, इसका जिप भी सही चल रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे तो ये बैग ठीक लग रहा है, बट वही है कि मुझे हर जगह से इसका थ्रेड निकालना पड़ेगा। मुझे सबसे क्यूट ना इसका ये जो पैटर्न है यही लग रहा था, कि आप ऐसे देखो प्रॉपर ऐसे यहाँ पे ब्लैक कलर का क्रोकोडाइल स्किन में बैग है, प्लस यहाँ पे गोल्डन वर्क दिया हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी क्लासी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सेकेंड बैग हमारा होने वाला है ये बैग।
ये भी एक प्रॉपर स्लिंग बैग है, इसका पिक्चर आप देख लो, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा था अगर आपने प्रॉपर एक जीन्स टॉप पहना हो, एकदम टाइट फिटेड जीन्स और एकदम क्रॉप टॉप पहना हो, उसमें इस टाइप का बैग कैरी करना बहुत ही सेक्सी लुक देता है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और सेकेंडली, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नेवर गोज़ रॉन्ग, बहुत ही सही लगता है। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन एवरग्रीन रहता है। देख सकते हो बैग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी मस्त है। इसके आप देख सकते हो कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकले हुए हैं, नहीं है, थोड़े से हैं, इसके भी एक दो थ्रेड निकले हुए हैं, बट इसमें इतने ज़्यादा नहीं। जैसे उस बैग में ना हमें इधर से भी दिख रहा था थ्रेड, इधर से भी दिख रहा था, इधर से इस तरफ से थोड़ा सा, इसको भी हमें कट करना पड़ेगा। आई डोंट नो मीशो में इस टाइम पे ये प्रॉब्लम है क्या कि सारे बैग में से थ्रेड निकले हुए हैं इस टाइम पे, पता नहीं कि मेरे जो बैग आए हैं उस पे थ्रेड है। पहले वाले जो मैंने ऑर्डर किया था उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए इसके ज़िप चेक कर लेते हैं, इसकी ज़िप थोड़ी सी फंस रही है, आप देख सकते हो इतनी स्मूथ नहीं है, थोड़ा फंस रही है। और इसमें ना हमें एक छोटा सा बैग और मिल जाता है कि जैसे आप आजकल देखोगे ना ट्रेंड चला है स्लिंग बैग होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पाउच टाइप बैग होता है, उसके बाद नीचे हमारा ऐसा होता है, दोनों एकदम सेम होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें भी ऐसे प्रॉपर पॉलीथीन भरी होती है क्योंकि ताकि हमारा बैग स्टिफ रहे, इसलिए वो लोग पॉलीथीन भर के देते हैं। तो मैं एक बार इसको निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। देख सकते हो इस बैग का मैंने स्ट्रैप भी अटैच कर दिया है ताकि आपको प्रॉपरली मैं ओवरऑल लुक दिखा पाऊँ। और मैंने इस छोटा सा जो बैग है उसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। इस बैग में बेसिकली लोग एयरपॉड्स रख लेते हैं या फिर लिप बाम रख लेते हैं या फिर कॉइन्स रखना चाहो या फिर कीज़ रखना चाहो, जो आपको थोड़ा सेपरेट रखना हो तो आप इसमें रख सकते हो। और इस ये बैग काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है मुझे। इसकी थोड़ी सी ना चेन फंस रही है, नॉट डिनाइंग, थोड़ी सी चेन प्रॉब्लम दे रही है, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेशियस ये बैग है, कितना ज़्यादा स्पेशियस, आप देख सकते हो मेरा पूरा हाथ ही लिटरली अंदर चला गया है। काफ़ी मस्त बैग है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, बहुत ही मस्त है, अच्छी क्वालिटी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। इसको आप ऐसे यहाँ पर अटैच कर सकते हो, देख लो सेम प्रिंट का, तो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। या फिर ना बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे यहाँ पे अटैच करते हैं, तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अटैच कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रही थी इसलिए फिर मैंने अटैच कर दिया है। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका सब कुछ बहुत ही मस्त है, प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका भी ज़िप ना थोड़ा सा फंस रहा है, ऐसा नहीं है इसकी ज़िप की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा फंस रही है चेन्स, बट आई फील प्राइस के हिसाब से काफ़ी वर्थ इट है। आप देख रहे हो ना इतना ईजिली वर्क नहीं हो रही है, बीच बीच में हो जा रही, बीच बीच में फिर रुकने लग रही है, देखो। बट आप अगर थोड़ा सा डेलिकेटली करना, धीरे धीरे आराम से इसको ओपन करना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो हाँ इसमें चेन में प्रॉब्लम आ रही है, बट काफ़ी अमेजिंग बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत सुंदर है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड। बैग हमारा होने वाला है एक हार्ट शेप का बैग, आप पिक्चर देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता है और रियलिटी में ये ऐसा आया है। वाओ, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, राइट? वाओ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें जो ना प्रॉपर थ्रेड वर्क हो रखा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है। और आप देख सकते हो जैसे अब तक मैं कंप्लेन कर रही थी ना थ्रेड्स की, इसमें कोई भी कहीं से भी मुझे थ्रेड नहीं दिख रहा है, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग वाला बैग है ये। आप ये देख सकते हो इसमें छोटू सा ऐसे हैंडल दिया हुआ है, अगर आप ऐसे कैरी करना चाहो आप ऐसे कैरी कर सकते हो। आई फील ये स्लिंग नहीं है, पता नहीं, मैं चेक करना पड़ेगा। इसमें एक सिंगल स्ट्रैप, सिंगल चेन है, इसमें स्ट्रैप दिया हुआ है, इसको आप अगर चाहो तो स्लिंग भी बना सकते हो। इसमें प्रॉपर पॉलिथीन भरी हुई है, आप ये देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, क्वालिटी के क्वालिटी इसकी बहुत मस्त है और ये काफ़ी स्पेशियस बैग है। अगर आप जैसे ना सूट पहने हो, लहंगा पहने हो या साड़ी पहने हो इस टाइप के कलर का, तो आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। गाउन के साथ भी ये बहुत मस्त लगेगा। मैं इसको भी, मैं ना सोच रही हूँ स्लिंग नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे हैंडबैग की तरह कैरी करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसकी डिज़ाइन भी कितनी ज़्यादा यूनिक लग रही है, राइट? कितना प्यारा हार्ट शेप का बैग है। अगर आप एक मैनो अपने गर्लफ्रेंड को या फिर वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हो ऐसा कुछ वैलेंटाइन को, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, एकदम प्रॉपर हार्ट है तो वो खुश भी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसकी स्ट्रैप भी देख सकते हो बीडेड टाइप की है, इसे प्रॉपर बीडेड वाली है, ब्रेड्स के स्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसका
चेन की क्वालिटी भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसकी चेन की क्वालिटी काफ़ी सही है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं फंस रही है। ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। अब तक जो मैंने मतलब जो सबसे महंगा बैग था उसकी क्वालिटी भी नहीं पसंद आई, उसका ही थ्रेड भी सबसे ज़्यादा निकल रहा था। बट ये बैग और वो ब्लैक वाला बैग भी काफ़ी सुंदर है। एक बार हम लोग उसको भी अटैच करके देख लेते हैं कि ये अटैच होने के बाद कैसा लगता है। देखो, ऐसे पुश किया, पुश करके हमें पास इसमें ऐसे फंसा देना होता है। ओके, आप देख सकते हो ये स्लिंग में भी बहुत प्यारा लग रहा है। ट्रस्ट मी, ये बैग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप स्लिंग की तरह लेने चाहो तो स्लिंग की तरह ले सकते हो, ऐसे कैरी करना चाहो तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा बैग है, बहुत ही मस्त क्वालिटी है। प्लस इसमें ना बहुत स्पेस भी, ऐसा नहीं है कि हार्ड शेप बना हुआ है तो स्पेस नहीं है। सारा देख सकते हो आप, इतना अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, बहुत सारा सामान इसमें कैरी कर सकते हो। ये देखो, अच्छा खासा स्पेस है, आप देख सकते हो मेरे पूरे यहाँ तक का आ रहा है स्पेस। बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुंदर बैग है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखना। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज़ करना होगा ना, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सिंगल लिंक होगा, वो मेरे हॉल पैक स्टोर का लिंक है। आप उस पर टैप करोगे ना, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो जाएंगे विद प्राइजेस। आप उस पर टैप करके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बैग हमारा होने वाला है ये बैग। तो आप देख सकते हो ये पिक्चर में कुछ ऐसा दिख रहा है और रियलिटी में कुछ ऐसा आया है। वाओ, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, राइट? इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, प्लस ब्लैक के साथ ये चीज़ और भी ज़्यादा खिल रही है। इसको ऐसे, ये बटन टाइप है, आप इसको ऐसे प्रेस करके इसे ओपन करना होता है। इसमें वैसे प्रॉपर पॉलीथिन भरी है, तो उसको पहले हम लोग निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी प्रॉपर पॉलीथिन निकाल दी है, और ये आप देखो ऐसा कुछ ये दिखता है। इसमें भी जैसे कि हमारा फर्स्ट बैग था ना, कि एक स्मॉल सा पाउच दिया है, छोटा सा स्पेस है, बाकी ये हमारा ये पूरा एक है। वैसे इसमें भी है कि आप ये देख सकते हो, ये पूरा एक है और ये ऐसे अलग सा एक छोटा सा, मतलब लाइक इसमें कॉइन्स डालना हो तो आप डाल सकते हो, या फिर कोई भी कार्ड डालना हो तो आप डाल सकते हो। बाकी ये बैग काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, आप काफ़ी कुछ रख सकते हो। मार्केट वगैरह जाने के लिए ये बैग परफेक्ट है। आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसको आप पार्टी में भी कैरी कर सकते हो, मार्केट में ले जा सकते हो। इसमें ना छोटी जैसे गोल्डन कलर की स्ट्रैप दी हुई है, कितनी ज़्यादा पतली हो, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, राइट? ये बहुत ही क्लासी लग रहा है ये बैग। आप ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपने ना ऐसे कोई भी कलर की ड्रेस पहनी हो तो उसके साथ ये बैग चला जाएगा, बिकॉज इसमें मल्टी कलर है, इसमें काफ़ी कलर्स है, तो ये बैग आराम से सारे आउटफिट के साथ जाएगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है, प्लस ये क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसका भी कहीं से भी थ्रेड वगैरह कुछ भी नहीं निकला है। बटन्स भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी भी एक बार हम लोग ज़िप चेक कर लेते हैं। इसकी बटन भी नहीं फंस रही है, एकदम परफेक्ट बटन है इसकी। इसकी बटन नहीं फंस रही है, आप ये देख सकते हो इसकी बटन सही है। बस मुझे वो फर्स्ट वाले बैग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बटन में भी और वो थ्रेड्स वगैरह में भी। बाकी अब तक मैंने जितने बैग देखे मुझे सारे के सारे बहुत अच्छे लगे। वो भी अच्छा है, बट जैसे कि वो 300 रुपये का है, 320 रुपये का है, उस हिसाब से वो बैग की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। बट आप देख सकते हो बाकी सारे से इतने कम प्राइस में है, कितनी अच्छी क्वालिटी, कितने अच्छी इसकी ज़िप लगी हुई है, हर चीज़ कितना परफेक्ट है। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, राइट? एक गाउन के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, हर जीन्स टॉप के साथ, सबके साथ जाएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम वर्सेटाइल बैग है, मतलब हर चीज़ के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर लेना। नेक्स्ट बैग मैंने मंगवाया अपनी मम्मा के लिए। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखता है। वाओ, कितना ज़्यादा सुंदर बैग लग रहा है, राइट? वाओ, ये देख के मुझे अभी से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो जो ब्लैक एंड वाइट बैग में जैसे छोटा सा दिया हुआ था ना, वैसे इसमें भी दिया हुआ है। ये ऑलरेडी अटैच्ड है। इसमें भी आप जैसे अगर एयरपॉड्स रखना चाहो, कॉइन्स रखना चाहो, कार्ड रखना चाहो, लिप बाम रखना चाहो, कुछ भी रख सकते हो, रबर बैंड रख सकते हो। काफ़ी सुंदर बैग लग रहा है। पहले तो आप इसका प्रिंट देखो,
इसका प्रिंट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट। अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस गोइंग हो, आप ये डेफिनेटली कैरी कर सकते हो अपने साथ। बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका। इसकी चेन एक देखो, आपको एक पीछे चेन मिल जाएगी, एक आगे आपको ये छोटा सा ऐसे बैग मिल जाएगा, एक छोटा सा पाउच टाइप, और अंदर आपको दो जिप मिल जाएगी। तो ये काफ़ी स्पेशियस बैग है। इसकी एक बार क्वालिटी चेक कर लेते हैं चेन की। ओके, इसमें कोई भी ऐसे पन्नी टाइप नहीं भरी हुई है। एक में आप ऐसे देख सकते हो कितना स्पेस है, राइट। और सेकेंड चेन में भी काफ़ी स्पेस होगा क्या? ये आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस बैग है। दोनों ही चेन कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें ना आपको देखो एक ऐसे ये छोटा सा ये मिल गया, एक अंदर ऐसे ये बड़ा स्पेस मिल गया, फिर एक और स्पेस मिल गया, एक छोटा सा यहाँ पाउच टाइप है, चेन टाइप है, और एक बाहर है। आप ये देख सकते हो, इसको मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। इसकी चेन की क्वालिटी कितनी मस्त है, यही मैं बोल रही थी कि जो चेन की क्वालिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर चेन बीच में फंसेगी ना, तो हम जब सामान रखेंगे तो फिर फंसेगा, तो फिर टूटने का भी डर रहता है। एक इसमें अंदर चेन है ये, या वो भी एकदम परफेक्ट है। ये बैग आप आग बंद करके ले लो, अगर आपको इस टाइप का बैग कैरी करना पसंद है ना, आप आग बंद करके ले लो। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है, और बहुत ही सच बता रही हूँ, इसमें कहीं से भी थ्रेड नहीं दिख रहा है, कहीं से भी चेन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लुक वाइज भी बैग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप भी चाहो तो अपनी मॉम को ऐसे गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए भी ले सकते हो अगर आप ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, आप ऐसा कुछ कैरी करना चाहते हो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसको देखो आप ऐसे कैरी करोगे ना, तो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे ये बैग सच में काफ़ी अच्छा लगा है। इसमें आई थिंक दो कलर और अवेलेबल थे, बट मुझे सबसे प्यारा कलर यही लगा, तो मैंने इसीलिए इसको परचेज़ कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दे दूँगी, आप देख लेना कि कौन कौन से कलर ऑल अवेलेबल थे, बट ये वाला आप आग बंद करके ले सकते हो, बहुत ही प्यारा बैग है। नेक्स्ट बैग भी हमारा एक हैंड बैग होने वाला है। आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो इसके ये पिक्चर है, ये कुछ ऐसा दिख रहा था फोटो में, और रियलिटी में कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे सच बताओ पिक्चर से ज़्यादा सुंदर ये रियलिटी में लग रहा है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस बैग, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट। एकदम प्रॉपर इंडो वेस्टर्न लुक जो होता है ये वैसा लग रहा है मुझे तो। इसमें भी आप देख सकते हो अंदर दो जिप दिया हुआ है और बाहर एक जिप दिया हुआ है। इसको भी ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी कोई पॉलिथीन वगैरह नहीं भरी है, और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है। आप इसमें आराम से अपना लैपटॉप भी कैरी कर सकते हो, ये देख सकते हो। वो ग्रीन वाले में भी अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हो बाय द वे। ये देखो कितना स्पेशियस बैग है, ये अच्छी खासी स्पेस मिल जा रही है आपको इसमें। और एक यहाँ पर छोटी सी जिप भी है। अरे कहाँ गई, या अंदर वाली जिप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अंदर वाली जो जिप है वो बहुत ज़्यादा फंस रही है, ये वाली जो छोटी जिप है ये सच में फंस रही है थोड़ा, ये देख रहे हो आप। ये वाली की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट बाहर वाले की परफेक्ट है। ये देखो तो बाहर वाले की एकदम परफेक्ट है, अंदर वाली थोड़ी सी फंस रही है। या इसकी भी सही है, बस वो अंदर वाली जो छोटी सी एक पॉकेट होती है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट आप ये देखो कितना सुंदर बैग है, कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा स्पेशियस, और कितना रीजनेबल प्राइस पे, राइट। आई कॉन्ट बिलीव मीशो पे इतने सुंदर बैग इतने सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हो इसमें भी यहाँ पे भी प्रॉपर प्रिंट हो रखा है, मतलब जो ब्लैक साइड है उसमें भी ये प्लेन नहीं है, उसमें भी ये प्रिंटेड है। मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ही स्पेशियस है, प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इतने कम रुपीज़ में इतने अच्छे अच्छे बैग मिल रहे हैं।
और हमें क्या चाहिए, आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। तो यार ये थे वो सारे बैग्स जो भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए। मुझे ये सारे के सारे बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, एक्सेप्ट वो पहला वाला। एक्चुअली उसमें ना 300 के ऊपर का प्राइस है, तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है, उसकी चेन की क्वालिटी बेकार लग रही है, सो मैं उसको लेके डाइसी हो रही हूँ। बट लुक उसका प्यारा है, नॉट डिनाइंग, लुक उसका बहुत ही प्यारा है, बट मैं थोड़ा सा उसको लेके डाइसी हो रही हूँ, बिकॉज उसकी चेन में प्रॉब्लम आ रही है, थ्रेड्स निकले हुए हैं। बट बाकी उससे सस्ते सस्ते के जो बैग है ना, वो इतने अच्छी क्वालिटी के, इतने सुंदर हैं, तो मैं उसको लेके डाइसी हो रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि मुझे इस फर्स्ट वाले बैग को रखना चाहिए या रिटर्न कर देना चाहिए। और बाकी सारे बैग्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, सबसे ज़्यादा वो हार्ट शेप वाला बैग मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सारे बैग्स आप परचेज़ कर लो आग बंद करके, बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज़ करना होगा ना, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक सिंगल लिंक होगा, वो मेरे हॉल पैक स्टोर का लिंक है। आप उस पर टैप करोगे ना, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर शो हो जाएंगे विद प्राइजेस, आप उस पर टैप करके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So yeah, I really hope you like this video. If you do, please, please, please subscribe to my channel, like this video, share with the friends and family. So yeah, I'll see you soon. Bye-bye.